फौजिया फौजी। अंदर आने का नहीं कहोगी? अम्मा की बरसी थी, मैंने खीर पका ली, मौलवी साहब से उस पर फातिहा दिलवा ली, सोचा तुम्हें दे आऊं, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना खीर। ये आसिफ लंबू नजर नहीं आ रहा। आसिफ लंबू या साबका मंगेतर, पता था ना आज इतवार है, सारा दिन घर पे ही पड़ा हुआ होगा। पुरानी मोहब्बत पीछा नहीं छोड़ती। ये क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती हो बहन? अल्लाह शाहिद है कि अब तो मेरे दिल में उनके लिए, मेरा मतलब है उसके लिए, कोई भी जज्बा मौजूद नहीं है। ईमान से दिल चीर के देख लो। मुझे क्या करना तुम्हारा दिल चीर कर? क्या मिलेगा मुझे? जहर, नफरत, हसद? है, मैं तो बड़ी नेकनियती से ये खीर तुम्हारे लिए लाई थी, और खास मैंने मिट्टी के कूंडे में जमाई के स्टील में तो खीर का सौंधा पानी चला जाता है। बेफिक्र होकर जाओ, जिसके लिए लाई हो ना तो सा दूंगी उसे। मेरे चखने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह फौजिया, आदमी के दिल को ना इतना भी साहत नहीं होना चाहिए। देखो बहन, मैं एक साफ गो औरत हूँ, दुनिया चाहे तिल मिलाती रहे, हमेशा सच ही कहूंगी चाहे कुछ हो जाए। मैं तो कहती हूँ कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, रियाकारों और मुनाफिकों के लिए अल्लाह की लानतें बरसती हैं। अरे मैं तो बिल्कुल रियाकार और मुनाफिक नहीं हूँ, जो कहता है खुद ही होता है। ओहो बुढ़ी घोड़ी, बच्चों के स्टाइल में जो कहता है वही होगा। बड़ी ही तू कोई। खैर मुंह गंदा नहीं करूंगी, वजू में हूँ, जा रही हूँ। अरे अरे अरे, इसको क्यों झूठा कर रहे हो? झूठा क्या? आ रहा हूं। क्या उमदा खीर है, ईमान से बाजार से लाई होगी तुम? हाँ और नहीं तो क्या, वो बाजार गई दिखी तो सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। पता है ना तुम्हें कितनी पसंद है, और आज छुट्टी का दिन भी है। बहुत आला भाई, लेकिन तुम गई कब, कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला। ये तुम फिल्मी हीरोइनों की तरह 1.5 घंटे गुस्ल जो करते रहते हो, इतनी देर में तो आदमी हैदराबाद से होकर वापस आ जाए। अच्छा खैर चलो 200 रुपए निकालो, वैसे ही घर के खर्च में कम पड़ रहा है मुझे। हाँ, बल्कि इतनी उमदा खीर लाने पर इनाम तो बनता है ना। लो 200 ही पड़े थे इत्तेफाक से, ये लो। लेकिन अब ये खीर मेरी हुई। हाँ आधी गुच्ची ना दूं बहन भाई, ना दूं। वो तुम्हारी साबका मंगेतर से तुम्हारे कोई राब्ते वाब्ते हुए? कसम ले लो, अम्मा की कसम, ना मैं उससे मिला हूं, ना मैं उसकी शक्ल भी देखना चाहता हूँ। हाँ। वैसे एक बात है, अपनी माँ की तुमने कभी झूठी कसम नहीं खाई, और जब भी मेरी कसम खाते हो झूठी ही खाते हो। इसलिए मुझे 3 दफा टाइफॉइड, 2 दफा यरकान और 3 दफा पथरी हो चुकी है। वो तो तुम लोग, तो बीमारों का खानदान है ना भाई। बीमार होना तो तुम लोगों के यहाँ रोमांस है। तो बकवास मत करो और तकब्बुर भी ना करो। अरे जिस दिन टीबी शुगर होगी ना उस दिन पूछूंगी। वैसे भी हल्का सा नजला क्या हो जाता, कयामत ढा देते हो। हाँ हाँ खाओ, खा खा के मरो। वैसे भी असलम खीर हाउस से लाई हूँ, कौन सी तुम्हारी महबूबा ने बना के भेजी है तुम्हारे लिए। और हाँ थोड़ी सी छोड़ देना आसिफ लंबू के लिए। क्या अब इसमें भी उसके लिए छोड़ दो? चलो कोशिश कर लूंगा, वादा नहीं करूंगा। मुझे प्लीज वादा मत लेना मुझसे, मैं खा रहा हूं। खा बिल्कुल रुक, नहीं करेगा ना तू मेरा काम मतलबी? अबे कर दूंगा कर दूंगा। हाँ जब अपना मतलब निकल जाता है ना तो सब अपनी आंखें बदल लेते हैं। मत कर, मैं अब तुझसे कभी भी नहीं कहूंगी। तो चल अब क्या हो गया, ये मुंह क्यों बना रही है? शाम में आ जाइयो, झंडे वाला मज़ार है ना वहाँ पे, डेट लगवा दूंगा तेरी। सच्ची अल्लाह तुझे मुझसे भी अच्छी लड़की दे आमीन। इस तरह दुआओं से थोड़ी कुछ होता है, साथ साथ अमल की भी जरूरत होती है यार। देख ले बस भाई का, फिर कुछ तू तो सेट हो गई, मेरा भी कुछ करवा दे यार किसी से। मिलवा दूंगी। एक है मेरी सहेली बुशरा है? बस समझ उसका चक्कर ना एंडिंग पर है, वो नहीं गौसिया वाला बिल्लू बिल्ला उसके साथ। बड़ा ही पागल बनाता है बेचारी को। पिछले वैलेंटाइन डे पे उसको अंगूठी दी ये कह के सोने की है, और जब बुशरा की अम्मी की तबीयत खराब हुई तो उसने सोचा कि वो अंगूठी बेच के कुछ पैसे ही आ जाएंगे। जब वो सुनार के पास पहुंची तो पता लगा कि अंगूठी पीतल की है, वो भी 2 नंबर क्वालिटी। कितने अफसोस की बात है यार, ये बिल्लू बिल्ला तो साला है ही 2 नंबर का। अबे लेकिन हम तो अच्छे लोग हैं ना। वैसे ही बता कि तेरी सहेली दिखने में सही है? प्यारी है, बिल्कुल मेरी जैसी। अब काफी लोग तो कहते हैं कि हम बहने हैं, तूने देखा नहीं क्या अभी तक? यार याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या पता दिखूंगा तो पहचान जाऊं। वैसे अबे हाँ, एक लड़की गुजरी तो थी यार यहाँ से, अबे दिखने में बड़ी सही थी। मैं परेशान हो गया कि हमारी गली में इतनी सही लड़की कहाँ से आ गई। फिर मैंने उसका बड़ा पीछा किया, फॉलो किया उसको, फॉलो किया, लेकिन यार ये नुक्कड़ में पड़ा हुआ था कीचड़, उससे गाड़ी स्लिप कर गई मेरी, वरना तो बड़ा ट्रैक किया था भाई मैंने उसको। और बिल्लू बिल्ली की गर्लफ्रेंड है? फिर तो तू से तोड़ सूटी। उसको जाके बता कि अबे बिल्लू बिल्ला क्या बेचता है फरहत गोली के आगे। हाँ आज जाके मैं उससे बात करूंगी। अब देख फरहत गोली, यही तो इंसानियत होती है, जब दूसरा आपके काम आए तो आपको भी उससे काम आना चाहिए। फरहत गोली क्या कर रहा है तू यहाँ खड़ा हुआ? अरे अम्मा यार वो ये स्वीटी है ना, और यार इस बेचारी की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी बस ये देखो। अच्छा तो तू डॉक्टर है, तो खड़े होके इसका इलाज कर रहा है? भाई वो इसको ना दवाइयाँ मंगवानी थी बेचारी को, तो मैं समझा थोड़ी सी मदद हो जाएगी गरीब की। क्यों तू लाके देगा तू दवाई? इसका भाई मर गया है क्या? घर के काम करने में तो तेरी जान निकल जाती है। कल मैंने तुझसे बोला कि इरशाद खालू के यहाँ मुझे लेके चल सोयम में, तू गया। मैं अकेली CNG रिक्शा पकड़ के बल्दिया तक गई हूँ। अच्छा ना माँ, आपके घर की बातें ये रोडों पर डिस्कस करोगी क्या? अभी घर जाओ, शाम में आऊंगा ना फिर बात करेंगे, अभी तुम जाओ। जल्दी आइयो। हाँ जाओ जाओ। स्वीटी तू बात कर ले जरा उससे। अबे लेकिन नाम बड़ा अजीब सा है बुशरा। तो तुम अपनी मर्जी से कोई प्यार से नाम रख देना। हाँ प्यार से नाम रख लूंगा मैं उसका, जानू रख लूंगा जानू। फरहत गोली शाम में कितने बजे आना है? शाम में तू ऐसा कर 5:30 तक आ जा। अच्छा चल। सुबह धोया मैंने। मत छोड़ो। दे मुझे। कहाँ जा रही है? मजार जा रही थी, इम्तिहानात करीब है, उसके लिए दुआ करने। दुआ करेंगी, पढ़ती पढ़ाती तो है नहीं कुछ। अल्लाह मियाँ भी बच्चों नियत देख के नवाजते हैं। अम्मा तुम तो चुप ही रहो, अल्लाह मियाँ ना बहुत नुक्ता नवाज है, पता नहीं उन्हें मेरी कौन सी बात पसंद आ जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। हाँ अच्छा तो फिर सूटी ऐसा है कि मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मुझे भी दुआ मांगनी है। नहीं अम्मा तुम क्यों जाओगी मेरे साथ, मैं अकेली चली जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हें इतना टाइम लगेगा, नहाना भी पड़ेगा, मजारों पे ऐसे गंदे संदे नहीं जाता। ये मैं नहाई हुई हूँ सूटी, बड़ी खुदगर्ज हो गई है तू। अब कोई काम कह तू अपना। अस्सलामुअलैकुम। आप घर पर हैं या बाहर? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारा बेटा शहजादा लग रहा है। नजर से बचना बेटा। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? वो झंडा वाला मजा आ रहा है ना, वहां जा रहा है। दुआ करेगा ना उसके वास्ते? दुआ भी करेगा और मिलेगा भी। मोर जाने में आपसे झूठ नहीं बोल सकता, सिर्फ आप ही हो जिससे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हम भी दुआ करेगा। जाओ मेरा बच्चा, जाओ। खुदा पावन। चाचा अफजल, मुझे ना झंडे वाले मजार तक जाना है। 50 रुपए लूंगा। 50 रुपए? शर्म नहीं आती तुम्हें? 25 दूंगी। चल तू 30 रुपए दे, बैठ जा। और पुणे मिली या नहीं मिली? चल दिलाता हूँ। सवारी छोड़। हाँ छोड़ दे, मुझे कौन सी जल्दी है। चाचा पूरी, आज मौसम कितना प्यारा हो रहा है, फुल रोमांचक। अपना तो सर चकरा रहा है, 2 दिन से मिली जो नहीं। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप गफूर मोटी की बहन है। अपने काम से काम रखो। पता है तुझसे सफल नहीं हो रहा होगा, है ना? अबे मोहब्बत चीज ही ऐसी है। आती होगी अभी। मेरी बुशरा भी तो आ रही है लंबी। अल्लाह के सामने जाना है। बस रोक दो चाचा पुड़ी। ये लो। चाचा पुड़ी पैसे मत लेना, मैं दे दूंगा। अपनी बहन को दे जाकर। उफ गुस्सा, हाय गुस्सा, मार डाला। बहुत ही कोई घटिया और छिचोरा इंसान है तू। तू मेरी दोस्त बुशरा को पागल बना रहा है ना। पीतल की अंगूठी देके बोलता है कि सोने की है। यही तो अपना स्टाइल है, इसी पे तो दुनिया मरती है। मरेगा तू, वो भी गटर में गिर के, इंशाल्लाह। हाय मेरी जान, मर तो मैं वैसे ही गया हूँ। ऐसी हरी मिर्च की कमी थी जिंदगी में। लानत हो तेरी जिंदगी पर। अच्छा, लड़कियों की बद्दुआएं भी दुआओं से कम नहीं। अबे तेरी तो खिलने उड़ा के चली गई लौंडिया। अरे चाचा, लव स्टोरी के शुरू में यही होता है। बच्ची हीरो को घास नहीं डालती है, उससे नफरत करती है, फिर एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे तेज बारिश, लड़की गिरने को है और हीरो जाके बचा लेता है उसे। अभी किस नशेई से बातें कर रहा हूँ। ओए बड़ा अच्छा काम कर रहा है तू, दूसरों को मिलवाने का, सेटिंग करवाने का। मेरी इस बच्ची से सेटिंग करवा दे, ईमान से गौसिया टीम को हरवा दूंगा तेरी टीम से। मेरे भाई जाने से पहले बाबा जी को अंदर जाके चादर चढ़ा दी, क्योंकि इनकी वजह से बच गया तू। जबान, इसका रहना सहना सब अलग है तुमसे। खामा खा में बात आगे बढ़ेगी तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी भाईपंती से तुझे समझा रहा हूँ, समझ जा। ये जायद खाना दे दो। ये खाना खराब का बच्चा किधर है? मगरिब से पहले घर आता था, अब पूरी रात बाहर फिरता है। बोलो उसके लिए भी झूठ बोलो हमारे साथ, बोलो। जवान बच्चा है। जवान है तो मैं क्या करूं, उसको केला छोड़ दूं? हम एक बात बोले, हमको लगता है माँ होना बहुत बुरा बात है। सब माएं एक जैसा होता है, तुम्हारा माँ भी ऐसा ही होगा। उसने भी तुमको लोगों से बचाया होगा, लोगों के सामने तुम्हारे वास्ते खड़ा होगा। अगर हम भी ऐसा करता है तो कौन सा बुरा बात है? हमारा माँ है, उसकी बराबरी तुम पूरी सारी जिंदगी नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माँ का मुकाबला नहीं करता, क्योंकि हम तुम्हारी बीवी हैं, माँ नहीं। बीवी और माँ में बहुत फर्क होता है। और जिस दिन तुम ये फर्क समझेगा, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत सुकून से गुजरेगा और हमारा जिंदगी भी। अच्छा, हमने तुम्हारी ये फजूल बातें नहीं सुननी है। मैं मगरिब की नमाज के लिए जा रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना तैयार करो। हमने फैसला कर लिया, हम पलवशा से शादी नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा। तो कैसे करोगे तुम ये सब कुछ? तुम्हारे खानदान में तो ऐसे मामला आते हैं, बात बहुत आगे चली जाती है, गोलियां चल जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं। दुगली मोहल्ला तुम इतने चुप क्यों हो ज़ाहिद अफरीदी? कुछ तो बोलो। जब भी तुमसे मिलता है पता नहीं क्यों गूंगा हो जाता है, सोचता ये बात करेगा वो बात करेगा। अब क्या होगा ज़ाहिद अफरीदी? सब ठीक होगा, तुमने भी दुआ किया है, हमने भी किया है। कब आ रही है तुम्हारी फूफी और उनकी बेटी? कल पहुंच जाएगा, वो ट्रेन का तुम्हें पता है ना, रास्ते में रुक गया है। 7 घंटे से गाड़ी वहीं खड़ा हुआ उनका। मेरी दुआ है कि ट्रेन हमेशा वहीं रुकी रहे। वल्लाह से हमने भी यही दुआ किया है। ज़ाहिद अफरीदी, जब पलवशा और उसकी माँ आ जाएगी, तुम्हारा उससे निकाह फौरन हो जाएगा ना? बोले बने, तुम रो क्यों रहा है? तुम रोएगा तो हमको भी रोना आएगा। मैं नहीं रो रही, तुम भी मत रो। हमने फैसला कर लिया, हम पलवशा से शादी नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा। तो कैसे करोगे तुम ये सब कुछ? तुम्हारे खानदान में तो ऐसे मामला आते हैं, बात बहुत आगे चली जाती है, गोलियां चल जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं। जब तक हमने मोहब्बत नहीं किया था हम डरता था, अब हम किसी से नहीं डरता। हमारा अल्लाह और हमारा मोरे हमारे साथ है। ओले वने, जब ये दो सुपर पावर हमारे साथ है तो डरने का क्या बात है? अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। क्या तुम 5वीं जमात की लड़कियों वाली हरकतें कर रही हो नाइज? हाँ, बस मेरा दिल चाहता है कभी कभी 2 पौनियां कस-कस के बानू, घेरदार फ्राक पहनूं और बिल्कुल बच्ची बन जाऊं। अल्लाह, बचपन भी कितना अनमोल होता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, बुरा मत मानना तुम। नहीं बोलो। ये जो तुम्हारी बेटी है ना स्वीटी, भाई बड़ी हो गई है, उसको टाइट करके रखो, हर वक्त बालकोनी में लटकी रहती। बड़ा समझाती हूँ मैं, बड़ा समझाती हूँ, मगर क्या करूँ, आजकल के बच्चे हम जैसों की बात ही नहीं सुनते। खुद अपने लौंडे को देख लो, पढ़ले दर्जे का आवारा लफंगा और बदतमीज है तुम्हारा लड़का। अब देखो नाइज, एक बात कहूं, आसिफ लंबू जैसा भी बेरारवी का शिकार नहीं। अच्छा, तो मेरी लड़की बेरारवी और आवारगी का शिकार है, तो भाई साहब जिसकी बेटी आवारा और बेरारा हो, उसकी माँ में आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्यों इतना सीरियस है उससे? चलो चलो जाओ अपने घर का रास्ता नापो। जैसी भी है मेरी औलाद है, मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई उनकी धज्जियां उड़ाए। सलाम अलैकुम। नाहीद जा अपने घर। नाहीद टूटी, वरना मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि फिल्मी औरतों की तरह मैं अपनी नाक की सर्जरी करवा लूं। खुदा का वास्ता बंद करो, इस घर में हर वक्त का नाच गाना बड़े-बड़े नुकसान लेकर आ सकता है। भैया, नाच गाने से कोई नुकसानात नहीं होते, नुकसानात वाले काम कुछ और ही होते हैं। और वैसे भी मैडम की गानों में वो जादू है कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। ए माला, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। मैडम की आवाज में जो चिसाई है ना, वो किसी की आवाज में नहीं है। वैसे बारी ईमान से जरा, जो तो दुबली होती, इतनी मोटी चौड़ी ना होती, तो बिल्कुल बनी बनाई शर्ट चादरी होती। चंपा, एक बात बताओगी मुझे? जी जी पूछिए ना। चंपा को तो बड़ा शौक है इंटरव्यू के अंदाज में बात करने का। तुम्हें कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का दिल नहीं चाहता? ये चाहता है, क्यों नहीं चाहता। सोच रही हूँ इस बार चमकीली की पार्टी में सुरख रंग के लेंसेज लगा के जाऊँ। आगरा ताज वाला जो लेंस वाला है ना, वो मेरे लिए ऑर्डर पर बनवा रहा है। हाँ, मैं दोबारा चाय बनाने जा रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है। और सुनो, वो चंपा के लिए भी एक प्याली चाय बना लेना। आए मान से माँ, बड़ा दिल चाह रहा था, बड़ी तलब हो रही थी चाय की। अब तो सूखड़ी पीनी भी छोड़ दिया चंपा रानी ने, सिर्फ चाय का नशा लगा हुआ चंपा खान को। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ। तुम भी माला के जोबन से ना बच सके मेरे राजा। क्या करूँ, दुनिया ही दीवानी है, सारा जमाना दीवाना है चंपा खान का। सारी मोड़ते जेलिस है मुझसे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये या फिर तुम्हारे जैसे तुम्हारी बरादरी के लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है। देखो, मैं चाहता हूं तुम लोगों को इस शनाख्त के साथ इज्जत मिले, नाम मिले, शोहरत मिले। जल्दी बताओ मेरे राजा, इज्जत, नाम और शोहरत की तो चंपा भूखी है। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारी बरादरी की एक क्रिकेट टीम बना दी जाए तो। क्रिकेट कड़े कराओ, हम मूर्तियां ठहरी नरमो नाजुक, हम ये मर्द वाले काम क्यों करें बरा। ए भाई, मुझे तो क्रिकेट से वैसे ही चिढ़ है, इसी की वजह से तो हम औरतों को लोगों ने छक्का कहना शुरू कर दिया है। लेकिन चंपा, खुद ही सोचो ना, इस वक्त तुम्हारी बरादरी की क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और अगर टीम बन जाती है और तुम उसके कप्तान बन जाओ, तुम्हें पता है तुम्हें इंटरनेशनली कितनी शोहरत मिलेगी, कितना फेम मिलेगा, कितनी मीडिया कवरेज मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारे इतने ज्यादा इंटरव्यूज होंगे कि तुम्हारी सोच है। ए, कौन बाजी, कौन अंग्रेज लेंगे मेरा इंटरव्यू। अंग्रेजी नॉट बैड मेरी, मगर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे। वो जो एंग्लो इंडियन मूरत है ना, मार्था, सदर में रहती है, मैं उससे कहूँगी ए बहन, मुझे 10 दिन के अंदर अंदर अंग्रेजी की मास्टरनी बना दे। वैसे एक बात है, अंग्रेजी में किसी को बेइज्जत करने का अपना ही मजा है। तुम्हें पता है बाहर के मीडिया में पाकिस्तान की बड़ी सॉफ्ट इमेज बनेगी। ये तो है भैया, चंपा की स्किन बड़ी सॉफ्ट है। कई मूर्तों ने राज पूछा, मगर चंपा ने ना बताया कि वो मुल्तानी मिट्टी में रोगने बादाम मिला के मास्क लगाती है। यार, वैसे गफूर मोटी की बहन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है यार। ऐसी हसीन लड़की पूरे एरिया में नहीं है। बच्ची तो मेरी भी अच्छी है, मगर यार वो इंसान के पास एक चीज काफी वक्त तक रहती है ना तो उससे दिल उड़ जाता है। और मेरी नेचर ऐसी, अगर कटरीना कैफ भी मेरी गर्लफ्रेंड हो ना तो 2-3 महीने से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा उसे। हाथ जोड़ के बोलूंगा मेरी जिंदगी से निकल जाओ, छोड़ दे मुझे। उस पर तो वैसे ही 2 लोगों की नजरें हैं, एक तो वो फरहत गोली और दूसरा नहीं है पठान जाहिद आफरीदी, और ना जाने साइड में पता नहीं कितने लोग होंगे। छोड़ बे, बिल्लू बिल्ले से कहाँ मिला रहा है उन बावलों को। अब उनके तो टशन ही अलग है। जिस दिन अजीज टायर वाले की हैवी बाइक लेकर, जीन्स और लाल टी शर्ट पहनकर, गॉगल्स लगा के गुची के उसके पास बाइक जाके रोकूं और वो ना बैठे मेरी बाइक पे, तो मेरा नाम बिल्लू बिल्ले से बदलकर बिल्लू बंदर रख देना। अपने तो टशन ही अलग है जानी, और लड़कियां इस टशन पे ही मरती हैं। अबे भाई बता रहा हूँ तुमको, मेरी उसकी फ्रेंडशिप रह चुकी है। बहुत ही तेज लड़की है, बल्कि बहुत ही ज्यादा तेज लड़की है, बेच के खा जाएगी तुमको। ऐसी बच्चियां तो अट्रैक्ट करती हैं अपन को। बिल्लू बिल्ले को आज तक ऐसी लड़की टकराई नहीं ना, वरना तो आजकल लड़कियां हाय अल्लाह उफ अल्लाह। सुनिए आप मुझे 11 बजे फोन करने वाले थे, 2 घंटे हो गए फोन नहीं किए। मेरा हैप्पी बर्थडे था, आपने मेरे लिए दिल वाला कार्ड नहीं लाया, मेरे लिए तोहफा नहीं लाया। जहर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां है। मेरा निकलना मुश्किल है, मेरे पापा बहुत सख्त है, टीचर के मरने का बहाना करके निकलती हूँ। लड़कियों की तो बात ही ना करो, बड़ी खुदगर्ज होती हैं ये, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का सोचती हैं। स्वीटी की मिसाल ही ले लो, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। अपने बाप के पतलून से 100, 200, 300 तक निकाले मैंने, और तो और अपनी माँ की सोने की अंगूठी बेच दी। क्या बात कर रहा है। हाँ, सिर्फ उस स्वीटी को गिफ्ट देने के चक्कर में। और उसने क्या किया, उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अबे ये मक्खी मच्छर छचुंदरों की बात नहीं कर यार। वैसे अभी जमाल का मायोनीज वाला बर्गर खाकर आ रहा हूँ, वॉमिट वॉमिट सी होगी। आए हाय, 2D के बस पे एक शेर मैंने पढ़ा था, याद कर लिया था मैंने। जरा यूं आज बेपर्दा जमाल यार हो जाए, निगाहें ढूंढती रहे और दीदार हो जाए। वाह वाह, कैसा दिया, कैसा कहा। बड़े बुरे लगते हैं मुझे शेरो शायरी, फालतू बावले लोगों का काम है ये, शायरी करना, शेर सुनाना, शेर पढ़ना। जहर लगती है सारी ड्रामेबाजियां ही सारी। अबे इसके टशन पे ही जान कुर्बान है मेरी। वैसे तो मेरी भी बुरी नहीं है, लेकिन माठी है, मुंह खोलती है तो लगता है बोल नहीं रही है, रो रही है। अजीब सी कोई नाक से मनोज सी आवाज निकालती है। खैर नाक से तो यही बोलती है करके, लेकिन इसकी बात करने में चार में जानी। मान नहीं मान। नाराजी बना सदा राजी बिना खुदा बिना दमे 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 दा। कहाँ गया था तुम? वो सारा कंपाउंड का लड़का गया था कढ़ाई गोश्त खाने के लिए, मैं भी साथ गया था। डिसलवा कॉलोनी, बोलो तो गोली भाई से बात करवाए। छोड़ रहे हैं। अबे ओ गरीबी के जाहिद अफरीदी, क्यों पिटने की तैयारियां कर रहा है?